बीएड की जेबीटी टेट में एंट्री को लेकर धर्मशाला जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान जेबीटी प्रशिक्षु सड़कों पर उतर आए हैं। अपने हक की लड़ाई को डाइट धर्मशाला में पिछले सोमवार से जेबीटी प्रशिक्षु कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। जेबीटी प्रशिक्षुओं द्वारा कक्षाओं के बहिष्कार का शुक्रवार को पांचवा दिन है और इस दौरान जेबीटी प्रशिक्षुओं ने डाइट धर्मशाला से स्कूल शिक्षा बोर्ड तक रोष रैली निकाली। वहीं शिक्षा विभाग की इस दोहरी नीति पर जेबीटी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मोहित ठाकुर ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने विभिन्न विषयों की टैट परीक्षा के फॉर्म निकाले हैं, जिसमें जेबीटी टैट परीक्षा में इस बार बीएड बालों को भी एंट्री दी गई है। इस पर जेबीटी यूनियन ने रोष प्रकट किया है। उन्होंने शिक्षा विभाग में स्कूल शिक्षा बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेबीटी टैट में बीएड को लाने से हमारे हक को छीना जा रहा है। हम तब तक कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे जब तक शिक्षा विभाग इसे ठीक नहीं करता। हेड की नोटिफिकेशन जारी की जाती है एचपी बोर्ड द्वारा, जिसमें जो है बीएड स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाता है। हमारा धरना प्रदर्शन जो बीएड स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया जाता है उसके खिलाफ है, क्योंकि वो सरासर गलत है। 2018 की नोटिफिकेशन जिसका हवाला जो है एचपी बोर्ड ने दिया है, वो जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑलरेडी और ऑलरेडी इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही है। और ये 2018 की नोटिफिकेशन जो है क्वेश्चन मार्क है, ये सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। इसका निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट को लेना है, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लिया जा सकता है। देखिए, अगर इनका काम है एग्जाम कंडक्ट करवाना और अगर ये कह रहे हैं कि हमें डायरेक्शन ऊपर से आई है, तो इनको डायरेक्शन गलत डायरेक्शन फॉलो नहीं करना चाहिए, तो सही डायरेक्शन फॉलो करें। जब वो लोग एलिजिबल ही नहीं है, 2018 में भी जो है एलिजिबल किया जाता है बीएड स्टूडेंट्स को, और चार साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जेबीटी स्टूडेंट्स चार साल की लंबी लड़ाई लड़ते हैं, फिर उसके बाद 2022 में जो है बीएड स्टूडेंट्स बाहर होते हैं जेबीटी कैटेगरी से। और बार बार जो है शिक्षा विभाग ये कोशिश करता है कि बीएड स्टूडेंट्स को कैसे एलिजिबल करें जेबीटी के लिए। हमारा धरना प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा, आज ही नोटिफिकेशन अगर जारी नहीं की जाती तो हमारा धरना प्रदर्शन तब तक चला रहेगा जब तक जो है उन्हें बाहर नहीं किया। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।